नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आप देख रहे हैं आज तक। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यह युद्ध बड़ा प्रचंड है। यूपी फतेह के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सरकार अब जनता के दरबार में पहुंच रही है। नेता वोट के लिए सड़कें छान रहे हैं। बड़े बड़े वादे हैं, अपने अपने दावे हैं। उम्मीद बस इतनी है कि जनता जनार्दन उन पर मेहरबानी दिखा दे। ये युद्ध है बड़ा प्रचंड, सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ी सियासी जंग है। नजर 2022 पर है, लेकिन निशाने पर 2024 है। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है, यूपी प्लस योगी। युद्ध है तो साम है, दाम है, दंड है, भेद है, सब है, धर्म का तड़का भी है। काशी का दमकता कॉरिडोर भी है तो माँ गंगा की भक्ति भी है। अयोध्या का राम मंदिर भी है तो आस्था की गलियां भी हैं। खुद देखिए, इन लोगों को काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य धाम बनने से दिक्कत है। इन लोगों को अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने से दिक्कत है। इन लोगों को गंगा जी के सफाई अभियान से दिक्कत है। यही लोग हैं जो आतंक के आकाओं के खिलाफ सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं। देश में 2014 के पहले जो नारे लगते थे, जो घोषणाएं होती थी, वह चुनाव तक सीमित होकर के रह जाती थी। 2014 के बाद सबको सम्मान देते हुए देश की आस्था को भी सम्मान देने का कार्य अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। बीजेपी ने तो 32 साल पहले अपने एजेंडे में धर्म को लाया, पर सियासत में धर्म की चाशनी सालों से लगती रही है। बीजेपी हिंदू भावनाओं को कुरेद रही है तो कांग्रेस हिंदू बनाम हिंदुत्ववादी का दांव चल रही है। और मैं घर आया हूं तो मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हिंदू जो होता है वो अपनी पूरी जिंदगी सच्चाई के रास्ते पे चलाने में लगा देता है, और हिंदू जो होता है अपने डर को नफरत में, क्रोध में, हिंसा में कभी नहीं बदलने देता है। हिंदुत्ववादी जो होता है वो सिर्फ झूठ की राजनीति करता है, उसको सच्चाई से कुछ लेना देना नहीं। धर्म की सियासी छोंक में हिंदू मुसलमान का खेल भी है, जिन्ना और गन्ना भी है। हर दल अपने हितों को साध कर धर्म के खांचे तय कर लिए हैं। यूपी के धर्म युद्ध में अब लड़कियों की शादी की उम्र भी आ गई। मुरादाबाद से समाजवादी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने लड़कियों की उम्र को लेकर विवादित बयान दिया तो मुसलमानों के रहनुमा बने ओवैसी ने साथ देने में देर नहीं लगाई। सही कदम नहीं है। क्यों यू के लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे, और जो 18 साल की उम्र भी काफी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी, और इस वरना इसे ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। हाय मोदी जी, आपको शादी से इतनी नफरत क्यों है? शादी जैसे इंस्टीट्यूशन से आपको इतनी घबराहट क्यों है? 18 साल में वोट डाल सकते, 18 साल सुनिए, 18 साल में कोई ये तय करेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा उसको मालूम, किसको मेरठ में वोट डालना उसको मालूम, मगर लड़की को भी मालूम, लड़के को भी मालूम, दोनों को मालूम, मगर मोदी जी बोले शादी 21 में ही करना।
अब आप बताइए क्या कर रहे हैं। यूपी के युद्ध में विकास के अपने अपने दावे भी हैं और चमचमाते एक्सप्रेस वे भी। चुनावी साल उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण की तो बाढ़ लग गई। गंगा सारे मंगलों की, सारी उन्नति प्रगति की स्रोत है। माँ गंगा सारे सुख देती है और सारी पीड़ा हर लेती है। ऐसे ही गंगा एक्सप्रेस वे भी यूपी की प्रगति के नए द्वार खोलेगा। चुनावी लड़ाई छापेमारी पर आई तो नई जंग छिड़ गई। बीजेपी को टक्कर दे रही समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश के करीबियों पर आईटी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। ये युद्ध है प्रचंड, फिर क्या जायज क्या नाजायज, मंदिर मंदिर, क्या हिंदू मुसलमान, क्या जोड़ तोड़ और क्या इनकम टैक्स और ईडी। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।